तो आज तो कुछ अलग ही एक्सपीरियंस होगा यहाँ पे, फर्स्ट टाइम मैं किसी रेस्टोरेंट में इस तरह से बैठे खाऊंगा यहाँ पे। हे गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइज अभी मैं हूँ उदयपुर में, सिटी ऑफ लेक्स, और मेरे पीछे जो है ना ये कोई महल नहीं है, ये है होटल जिसमें मैं स्टे करा है। मैंने आज के लिए बुक करा ही होटल। तो हाँ देखो कितना सुंदर है पीछे से। तो हाँ आज हम यहीं रुकने वाले हैं, और आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा पूरा उदयपुर, मतलब जितना मैं दिखा सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत सुंदर शहर है, बहुत सुंदर जगह है राजस्थान में। तो चलो फिलहाल ये होटल है, होटल के ऊपर हम आए थे, अभी ब्रेकफास्ट कर लिया हमने। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए, मैं तो पहली बार आया हूँ उदयपुर। यहाँ से ऊपर भी जा सकते क्या? जा सकते। देखते हैं ऊपर से कैसे दिखते हैं। ओ भाई ऊपर से तो और भी मस्त है। तो अभी मैं आ चुका हूँ होटल के बिल्कुल ऊपर, यहाँ से भी लेक्स दिख रही हैं। तो अभी गाइस एक प्रॉब्लम हो गई थी, मैं रूम में आया हूँ फोन चार्ज करने के लिए, इसकी बैटरी खत्म होने वाली है, क्योंकि मैं इसी से व्लॉग करता हूँ ना। कैमरा मेरा टूट गया था तो कैमरा मैंने देर का सोने में ठीक होने के लिए, तो मैं आजकल व्लॉग सिर्फ फोन से कर रहा हूँ, जो कि यह इसको मैं चार्ज करता हूँ और फिर ही जाएंगे। यहाँ रख देते हैं। चलो फोन चार्ज हो गया, अब चलते हैं सीधा उदयपुर। भाई चाहे कैसा ही रॉयल रूम हो, कच्चे हमारे यहीं सूखते, देखो अब क्या करें और कहाँ सुखाएं, यहीं पर रखने पड़े। तो वही हम सोच रहे हैं एक ऑटो वाले को पकड़ते हैं, उसको बोलते हैं कि सारी पॉपुलर जगह घुमा दे हमको उदयपुर की। तो अभी होटल से बाहर आ चुके हैं, अब यहाँ से ऑटो लेते हैं और चलते हैं सीधा सिटी में। तो बाहर से होटल कुछ ऐसा लग रहा है। तो ये होटल के बाहर का एरिया, ये हमारा होटल जो कितना मस्त, ये होटल नहीं है हवेली है, हमारी गाड़ी खड़ी है इधर पार्किंग में। हम गाड़ी लेके नहीं जा रहे बिकॉज वहाँ बहुत भीड़ होती है ना, फंस जाएगी गाड़ी। चलो ऑटो मिल गया हमको, बैठते हैं और चलते हैं। तो पहले हम जा रहे हैं सज्जनगढ़ फोर्ट। तो अभी गाइस पहली डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, जो कि है सज्जनगढ़ फोर्ट। तो चलो चलते हैं ऊपर, चलो पहले टिकट लेते हैं। तो अभी गाइस टिकट ले लिया, और टिकट है 300 रुपये की, 100 रुपये की एक जने की है, लेकिन हमारा पोपट हो गया यार, हम गाड़ी नहीं लेके आए ना, तो अब यहाँ वेट करना पड़ रहा है। अब यहाँ पे गाड़ी आएगी, अब इनकी गाड़ी में जाना पड़ेगा, और उसकी टिकट हमको अलग से करनी पड़ेगी 300 रुपये की। तो हमारे लगे टोटल 600 रुपये लग गए, इससे बड़े खुद की गाड़ी ले आते। फाइनली गाड़ी आ गई है और हम बैठ गए। तो फाइनली पहुंच गए ऊपर। तो यहाँ पे आप अपनी पर्सनल गाड़ी ला सकते हो। चलो अंदर चलते हैं अब। गाइस पूरे राजस्थान में ना इस तरह के पहाड़ हैं, और पहाड़ के ऊपर किले हैं, और किले से इस तरह का व्यू दिखता है, आपने मेरे 3-4 ब्लॉग में देखा होगा। तो हम जहाँ भी जा रहे हैं, जिस भी शहर में जा रहे हैं, वहाँ पे किले हैं, किले पे जा रहे हैं, तो ऐसा व्यू देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ों से अलग है एकदम, छोटे छोटे पहाड़ हैं यहाँ पे, और जंगल भी, देखो ये जंगल है। तो बेसिकली मैं ऊपर आके भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि ऊपर से सारे शहर दिखते कैसे हैं। तो देख लिया हमने यहाँ से व्यू, आपको भी दिखा दिया। तो चलो अब चलते हैं, चलो अब चलते वापस। चले भैया 15 मिनट बाद। भैया तुम मस्त यहाँ पे यूट्यूब देख रहे हैं। चलो भाई तो अब हम जा रहे हैं होटल वापस। पहुंच गए होटल, तो गाड़ी की चाबी ले ली हमने। एक बार किसी किले पे चले जाओ ना तो थक जाते हैं, मतलब वहाँ पे चल जाके थक जाते हैं, तो भूख लग जाती है, इसलिए भूख लग गई। अब कुछ खाएंगे। तो अभी गाइस आ गए यहाँ के बहुत फेमस रेस्टोरेंट पे, जिसका नाम है खम्मा घणी। तो ये खम्मा घणी रेस्टोरेंट, चलते हैं अंदर। ये जगह है ना, ये रात को बहुत प्यारी लगती है, बिकॉज यहाँ पे लाइट जलती है ना, तो लाइट का रिफ्लेक्शन आता है पूरा पानी में यहाँ पे लेक में। और जो ये जगह है ना, ये बहुत फेमस है खाने के लिए, क्योंकि यहाँ से पूरा व्यू दिखता है ना लेक का। तो हाँ ये बहुत फेमस है, अभी दिन में आए, दिन में वो समझ में नहीं आ रहा। चलो फिलहाल नीचे ही बैठते हैं, शूज उतार के। स्पेशल क्या मिलेगा? राजस्थानी स्पेशल, मीठा नहीं होना चाहिए, हमको थोड़ा तीखा पसंद। दाल बाटी चूरमा ट्राई करिए आप। ठीक है, हम तीन लोग हैं। दो जाएगा? ठीक है, दो ले। क्या नहीं, बियर नहीं पीते यार, हम बच्चे हैं। तो आज तो कुछ अलग ही एक्सपीरियंस होगा यहाँ पे, फर्स्ट टाइम मैं किसी रेस्टोरेंट में इस तरह से बैठे खाऊंगा यहाँ पे। तो बगल में है वर्ल्ड फेमस लेक, सबसे पहले आए हैं पापड़। तो मैंने मंगाया था मोजिटो, अभी वो फील नहीं जो रात को आएगी, रात
रात को पूरा पानी में रिफ्लेक्शन आता है यहाँ, पूरा घरों का रिफ्लेक्शन आता है पानी में। गाइज यहाँ आना तो रात को आना, रात को रिकमेंड करूंगा, रात को मस्त दिखेगा। तो हमारा खाना आ तो गया, इसी भैया इसको खाते कैसे हैं? तो ये है यहाँ का फेमस दाल बाटी चूरमा। तो ये है बाटी, ये किस चीज़ का बनता है? आटे का। अच्छा आटे का, हाथ से करना पड़ेगा, क्रश कर लेते, बढ़िया क्रश करना है। इसके ऊपर डल रहा है घी। अब दाल, कौन सी दाल है ये? पंचमेल। कौन सी? पांच तरह की मिक्स दाल रहती है। अच्छा अच्छा, पांच तरह की दाल है ये। अच्छा ये हो गया दाल बाटी चूरमा। तो चूरमा ही है ये, मीठा होगा ना? हाँ। तो ये चूरमा। तो ये आज का हमारा खाना, हम फर्स्ट टाइम खाएंगे दाल बाटी चूरमा, राजस्थान का फेमस। कैसा हो रहा है? टेस्टी है। तो दाल बाटी चूरमा तो खा लिया, अब हमने मंगाया नूडल्स। नूडल्स खाने का मन कर रहा था तो हमारे नूडल्स भी आ गए। चलो भाई सारा खाना खत्म। अरे क्या कर रहे हैं, हटल रहा। तो अभी तो हम होटल आ गए, बहुत थक गए गाइस, बहुत। सुबह ड्राइव भी किया था मैंने 5 घंटे, और उसके बाद फिर घूम के भी आ, किले पे भी जाए, तो अब नींद सी आ रही है। तो सोच रहा हूँ थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं यार, क्योंकि इतने दिनों से ऐसे दौड़ रहे हैं ना। अब बस जाते ही सो जाऊंगा मैं। हे गाइस, तो अभी अभी जैसे उठाऊँ मैं, और टाइम देखो रात के 8:45 हो गए, पता नहीं चला कब नींद आई, अभी उठाऊँ मैं। तो चलो एक बार उठते हैं और होटल के ऊपर चलते हैं, ऊपर से देखते हैं कैसा व्यू आ रहा है। तो अभी आ गए रात को ऊपर, और यहाँ पे देखो, ये देखो ये मस्त लग रहा है। तो अब हम जा रहे हैं सबसे ऊपर, सबसे ऊपर से देखते हैं कैसा दिखता है। भाई रात को तो और मस्त लग रहा है होटल। पहुंच गए भाई ऊपर। तो दिन में हम खाना खाने वहां गए थे, देखो वहां गए थे दिन में खाना खाने हम। ये देखो कितने मस्त लग रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 सेम। गाइस उदयपुर ना रात को सुंदर दिखता है, तो जब भी आओ ना तो रात को आना, रात को एक्सप्लोर करना, रात को मस्त लगता है, क्योंकि क्योंकि लेक्स है ना, लेक्स रात को ही सुंदर दिखती है। तो मैं रात को कहीं जा नहीं सकता, बिकॉज मुझे करनी है एडिटिंग। तो चाय पीते हैं और अपनी एडिटिंग शुरू करते हैं भाई, क्योंकि व्लॉग नहीं आएगा फिर कल सुबह। बाकी एक दिन में मैं आपको जितना दिखा सकता था मैंने आपको दिखा दिया, ऊपर से व्यू दिखा दिया मैंने आपको, और लेक का व्यू दिखा दिया मैंने आपको, रात को भी दिखा दिया। हमको तो कल निकलना है इससे आगे। चलो आप फिलहाल एडिटिंग स्टार्ट करते हैं भाई। तो अभी गाइस रात के बज चुके हैं 12, एडिटिंग कंप्लीट हो गई है, अब फिलहाल मैं सोऊंगा। कल हमको निकलना है यहाँ से गुजरात, तो देखना मस्त गुजरात जाएंगे गाड़ी से, वो भी सीधा यहाँ से, फिर गुजरात से मुंबई, फिर मुंबई से गोवा। तो हमारा यही प्लान है, तो देखते हैं। तो हाँ, आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। तो गाइज ये होटल है हमारा, फिर बोल रहा हूँ होटल, महल, ये महल है अपना, और ये वाला रूम है, ये वाला रूम है अपना, ये वाला।